देखो भाई लोग, मैं हॉरर मूवी बहुत ज्यादा देखता हूँ और देखता भी हूँ तो माहौल बनाकर, रात 12 बजे के बाद लाइट्स पूरा ऑफ करके, क्योंकि जब जंप स्केयर आते हैं मूवी में और हार्ट बीट ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और उस वक्त जो डर फील होता है ना मन में, उसमें मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। और अगर तुम्हें भी इसी तरह का शौक है और इसी तरह का मजा चाहिए तो आज की वीडियो में मैं तुम लोगों को इसी तरह की मूवी लेकर आया हूँ जिसे देखकर मजा आ जाएगी। और हाँ, 12 बजे के बाद ही देखना ये मूवी, क्योंकि हॉरर मूवी देखने का मजा तभी है जब तुम डर फील करो, और डर फील कैसे होगा ये मैं तुम लोगों को बताऊंगा आज। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस लिस्ट की एक एक मूवी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए। हमारी लिस्ट की पहली मूवी है इविल डेड। ये एक मूवी फ्रेंचाइज है, पर तुम्हें इनमें से ज्यादा मूवी नहीं देखनी है, सिर्फ कुछ ही मूवी देखनी है, तो 2013 की इविल डेड तुम देख सकते हो। इसमें होता क्या है कि 5 दोस्तों का ग्रुप वीकेंड बिताने के लिए एक रिमोट कैबिन में जाता है, और वो कैबिन लोकेटेड होता है एक फॉरेस्ट के बीच में। पर इंसान तो चुतिया है और जहाँ भी जाए शांत थोड़ी ने बैठने वाला है, और वो 5 दोस्तों का ग्रुप कुछ ऐसा हरकत करते हैं जिसके कारण उन लोगों को एक बुक मिलता है, वो भी डीमन वाला बुक। और ऐसा नहीं है कि उन्हें बुक मिला है डीमन वाला तो उसे कुछ मत करते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं, वो लोग तो वहां के उसे छेड़ेंगे ही छेड़ेंगे। और जो छेड़ने के बाद जो उसके साथ होता है उन लोगों के साथ, तुम सोच कर भी घबरा उठोगे। पूरी मूवी देखने के बाद तुम वीकेंड पे तो जाना पसंद करोगे, पर जंगल में नहीं। हमारी लिस्ट की अगली मूवी है द रिंग 2017 की, और ये मूवी पूरी एक टेप के अराउंड घूमती रहती है। और इसमें होता क्या है कि जो भी उस टेप को 7 दिनों तक देखता है उसे वो भूत मार देती है। ये मूवी देखते वक्त तुम्हें स्माइल जैसी फील देगी, पर उससे काफी ज्यादा डिफरेंट मूवी है ये। और हाँ, क्या हो अगर उस टेप को कोई इंटरनेट पर रिलीज कर दे, तब क्या होगा? और ये सवाल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और इसका जवाब तुम्हें मूवी देखने के बाद ही मिलेगा। इफ अगर तुम हॉरर मूवी के काफी बड़े बड़े फैन हो तो तुमने ये मूवी डेफिनेटली देखी होगी। तो 2018 में एक मूवी आई थी द नन, जिसमें एक चर्च को दिखाया है जो कि श्रापित हो जाता है, और उस चर्च को ठीक करने के लिए कुछ लोग आते हैं, और उसके बाद जो उस चर्च के अंदर होता है वो तुमने सोचा भी नहीं होगा। और तुम में से अगर कोई इस मूवी को देखा है तो जरा कमेंट में बता दो इस मूवी की स्टोरी बिना स्पॉइलर दिए हुए, क्योंकि ये मूवी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी, और मैं डेफिनेटली लिख के दे सकता हूँ कि ये तुम्हें भी पसंद आएगी। बस इसका चैप्टर 2 मत तुम देखना, उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। तुमने सुपरमैन की मूवी देखी होगी और तुम्हें पसंद भी आई होगी, पर क्या हो अगर सुपरमैन अच्छा ना होकर बुरा हो जाए तो? बुरा मतलब बहुत बुरा, इतना बुरा कि किसी को जान से मारने के लिए भी ज्यादा वक्त ना ले। कुछ इसी तरह की स्टोरी है इस मूवी की, जिसका नाम है ब्राइटबॉर्न। इस मूवी में दिखाया गया है कि एक बच्चे के पास सुपर पावर आ जाती है, और उस पावर का वो किस लेवल का गलत इस्तेमाल करता है ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुमने भी कभी ना कभी तो सोचा ही होगा कि सुपरमैन की पावर अगर तुम्हारे अंदर आ जाए तो तुम क्या क्या बुरा कर सकते हो, पर इस मूवी में उससे भी ज्यादा बुरा दिखाया गया है। अगर तुमने ये मूवी नहीं देखा है तो तुम बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो, एक बार डेफिनेटली इस मूवी को देखना। हमारी लिस्ट की आखिरी मूवी है हेरिटेटरी। हेरिटेटरी मैंने हाल ही में देखी है, और इस साल मैंने जितने भी हॉरर मूवी देखी है उनमें से सबसे ज्यादा मुझे डराई है इस मूवी ने। इस मूवी में बड़े बड़े जंप स्केयर नहीं है, पर इस मूवी का जो प्रेजेंट करने का जो तरीका है ना वो तुम्हारी फाड़ के रख देगी। और डेफिनेटली तुम हॉरर मूवी देखते हो तो इस मूवी का नाम तो तुमने सुना ही होगा। ये मूवी पूरी एक डीमन के ऊपर बेस है, और अभी तो काफी सारी ऐसी मूवी है जो कि डीमन के अराउंड ही होती रहती है। तो अगर तुमने नहीं देखे तो तुम क्या कर रहे हो, जाओ और एक बार जरूर से देखना, और देख चुके तो फिर से देखना। और इन लिस्ट में से सबसे ज्यादा खतरनाक तुम्हें कौन सी मूवी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।